तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर को लेकर जिस तरह की कंट्रोवर्सी चल रही है एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा, आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपका क्या रिएक्शन है? सर मैं कल ही आया हूँ, मैं यूएसए में था, अमेरिका में गणपति बापा की पूजा के लिए। मैं सच्ची बात बोलूं कि सबसे पहला झटका मुझे लगा जब ऋषि कपूर ने ट्वीट किया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो यूएसए जा रहे हैं, और उसके बाद सुबह उठा न्यूज़ मिली कि उसकी मम्मी की डेथ हो गई। उसी सोच के अंदर मैं डूबा रहा दिन भर कि बेटा अभी दो दिन पहले गया है और उसको मालूम ही नहीं पीछे की मम्मी की। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कपूर फैमिली में सुख हो, चिंटू की तबीयत ठीक हो। मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल इल्म नहीं है, अब मैं पता कर लूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन मैं आप जस्ट कम बैक फ्रॉम देयर एंड मैं सारे मीडिया के सामने बोलता हूँ कि मेरा माई हार्ट गोज टू द कपूर फैमिली, उनकी ये मम्मी की डेथ हुई है, कॉन्डोलेंसेज फ्रॉम माई साइड, कॉन्डोलेंसेज फ्रॉम माई यूनिट, माई फिल्म कर्मा, फ्रॉम माई प्रोड्यूसर्स, फ्रॉम माई डायरेक्टर्स, फ्रॉम माई म्यूजिक डायरेक्टर्स टू द कपूर फैमिली ऑन द सैड डिमाइस ऑफ द मदर। तनुश्री दत्ता की भी खबर चल रही है कि उनके साथ वही पूछा है उन्होंने, लेकिन जवाब सबने कुछ और कर दिया। नहीं नहीं, मैंने ये बोला ना, मैं कल ही आया हूँ यूएसए से, मुझे कुछ मालूम नहीं है। सर मैं ऐसे कुछ बोल दूं तो गलत हो जाएगा ना, मुझे पता चलेगा तो क्या है क्या नहीं। और ये न्यूज़ तो अभी आप लोग बता रहे हैं, हुआ क्या मुझे आप बता दो। हुआ ये है कि हॉर्न होके लीड के सेट पे उनका कहना है कि उनके साथ ज्यादती हुई थी और उस सीन उन्हें नहीं करने के लिए बोला गया था, फिर नाना पाटेकर का जिक्र उन्होंने किया कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। तो इस तरीके से वो कहना चाह रही है कि मेरे साथ जो भी हुआ 10 साल पहले वो सही नहीं था और वो खुल करके सामने सारी बात कर रही है। 10 साल पहले मुझे कुछ मालूम नहीं सर, 10 साल पहले तो मैं छोटा सा बच्चा था यार। अरे बाप रे, मतलब आप मीडिया वालों को बहुत कुछ मिल रहा है। अनूप जलोटा का मैं अभी आने से पहले ना वो MTV वो मैंने ऑन किया क्योंकि अनूप जलोटा जी मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं। मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ, अभी रिलीज नहीं हुई है, जो अनूप जलोटा जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अब उसमें देखिए मेरी फिल्म की कहानी और अनूप जलोटा जी की कहानी ऑलमोस्ट सेम है, है ना, करेक्ट है ना सर? इसलिए मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है फिल्म में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्यार कोई एज नहीं होता है। बिल्कुल नहीं, एज इज अ मैटर ऑफ माइंड, सो यू शुड नॉट माइंड। और क्या, देखो ना यार बुढ़ापे में वो बुड्ढे का क्या हाल कर दिया इसने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।